नमस्कार, इस वक्त हम हैं लक्ष्मीबाई नगर अनाज मंडी में और लाल चने की जो आवक है वो लगातार अब जो है उतार चढ़ाव की स्थिति में देखने मिल रही है। क्या कुछ आवक है, क्या कुछ डिमांड है, इसे जानने के लिए हम सीधे चलेंगे जो लाल चने के व्यापारी हैं उनके पास और उनसे जानते हैं क्या कुछ स्थितियां जो है अब की बार लाल चने को लेकर देखने मिल रही है। बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहला मेरा सवाल आपसे यही, आज क्या लाल चने के दाम रहे और किस तरह की स्थिति आवक की हमारे पास रही? लाल चने में पिछले दो दिनों में करीबन 200 रुपये की तेज़ी देखी गई है और दाम बढ़ने का सीधा साधा कारण यह है कि आवकों का प्रेशर नहीं बढ़ पा रहा है और जिससे आगे भविष्य में भी तेज़ी का सूचक दिखता है ये। और अगर आवक नहीं बढ़ी तो कहीं भी ये 6,650 के ऊपर लाल चना बहुत जल्द हमको देखने को मिलेगा। और लगातार हम बात करें तो डिमांड किस तरह की हमारे पास है और किस तरह की आवक है, क्या जितनी डिमांड है उतनी आवक हमारे पास हो रही है? नहीं, अभी आवक कम है, हाल फिलहाल में आवक कम है, बट डिमांड बहुत अच्छी है। घरेलू उपभोक्ताओं की डिमांड भी है, शादी का सीज़न चल रहा है उसकी भी डिमांड है, बाहर की लाइनों की भी डिमांड अच्छी है, एक्सपोर्ट में भी डिमांड है चने, लाल चने में, इसलिए बाज़ार थोड़ा सा बढ़ रहा है। और अगर आवक नहीं बढ़ी तो बाज़ार यहाँ से कुछ और 100-200 रुपये सुधर सकता है। और यदि हम बात करें तो कहाँ कहाँ से हमारे पास डिमांड हो रही है और किस तरह का उपयोग चने का अभी वर्तमान में देख रहे हैं? चने की डिमांड खेरची उपभोक्ताओं की दालों में है, दाल मिल वालों की डिमांड है, जो ट्रेडिंग का काम करते हैं, जो मशीन क्लीन करते हैं माल, उनकी डिमांड है। कुछ किसान भी यहाँ से चना जिन्होंने नहीं बोया है वो खुद दाल बनाने के लिए भी यहाँ से माल लेके जा रहे हैं। मतलब ये कहा जा सकता है कि उल्टी गंगा बहरी, किसान माल लेके आता था और माल बेचता था, अब उल्टा माल लेके जा रहा है। तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि क्रॉप बहुत कम है चने की, जिसका असर बाज़ारों में तेजी का कारण बन रहा है। और जैसा आपने बताया कि किसान अब व्यवसाय की तरफ जो है अग्रसर हो रहा है, अलग अलग तरह की चीज़ें वो जो है चने से कर रहा है, इसका सीधा असर हमें आने वाले दिनों में क्या कुछ देखने मिलेगा? क्योंकि किसान जो है माल यदि लाएगा नहीं और माल लेकर के जाएगा तो निश्चित तौर पे जो है डिमांड बढ़ेगी और आवक हमारे पास कम होगी, तो इसका असर दिखेगा? बिल्कुल इसका असर दिखेगा। ये तो फिलहाल अभी गवर्नमेंट मटर का एक इम्पोर्ट कर रही है, थोड़ा सा इससे बाज़ार रुका हुआ है। जिस भी दिन मटर का इम्पोर्ट रुकेगा उसके बाद बाज़ार कहीं भी यहाँ से 200-500 रुपये की चाल चल जाएगा और ऐसा लगेगा कि बाजार में माल की बिल्कुल शॉर्टेज आ गई है, उस कारण बाजार में अच्छी तेजी बनेगी। और यदि हम बात करें कहां कहां से हमारे पास लाल चना आता है और यदि हम बात करें कितनी आवक अभी हमारे पास वर्तमान? लाल चना मेनली आता है राजस्थान से, एमपी से, महाराष्ट्र, यूपी से। राजस्थान में क्रॉप कम बैठी है, एमपी में क्रॉप कम है, महाराष्ट्र में चने की क्रॉप अच्छी, बट वो चना जो है वो काबली चने के रूप में आ रहा है, यूपी में चने की क्रॉप कम है। तो ओवरऑल क्रॉप का सेंटिमेंट जो है कहीं भी 10-20% की कुछ कमी लगती है क्रॉप के अंदर और इस कारण से मंडियों में आवके कम है अभी। और यदि हम बात करें पिछले साल की तुलना में इस साल कितना असर और कितना कमी या ज़्यादा हमको चने की फसल में देखें? पिछले साल सीजन में 4,800 से 5,000 रुपये की रेंज चना था, अभी 5,800 से 6,000 रुपये, तो 1,000 रुपये का डिफरेंस तो ये भी हमको हाल फिलहाल में दिख ही रहा है और ये कहीं भी बढ़ के 500 से 1,000 रुपये और बढ़ सकता है डिफरेंस भाव। तो निश्चित तौर पे हम कह सकते हैं आने वाले समय में हमको दाम चने के बढ़े हुए हैं। बिल्कुल आने वाले समय में चने के दाम बिल्कुल बढ़े हुए मिलेंगे और चने के दाम कुछ भी रामनवमी तक या अप्रैल एंड तक हम बात करें तो यहाँ से 62 रुपये के आसपास की रेंज चने में दिखनी चाहिए। मिल सकता है इंदौर के लक्ष्मीबाई नगर अनाज मंडी से। नंबर